इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के फास्ट रेलवे लाइन पर आज शाम करीब 7 बजे के आसपास एक युवक का शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन से मुंब्रा रेलवे स्टेशन के तरफ जाते वक्त जो फास्ट रेलवे लाइन है, सुरंग के पास रोड की ब्रिज के ऊपर से इस युवक ने छलांग लगा दिया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो वहीं कुछ लोगों ने बताया कि इस युवक की लोकल ट्रेन से गिरने की वजह से मौत हो गई है। इस बारे में जब हमने एक पुलिसकर्मी से जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि युवक का शव दोनों रेलवे पटरी के बीच में जो नाला बना है उसमें बरामद हुआ है। यानी युवक की मौत ब्रिज से छलांग लगाकर आत्महत्या करने या फिर किसी लोकल ट्रेन से गिरने की वजह से हुई है, इसकी मौत की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। हालांकि इस दौरान मुंब्रा शहर के कई लोगों ने इस युवक की पहचान करना चाहा, मगर पहचान नहीं हो पाई। मौके पर पहुंची मुंब्रा पुलिस और रेलवे पुलिस युवक का शव नाले से बाहर निकाला और युवक सिर्फ पैंट पहना हुआ था। उसके पास से कोई भी आईडी प्रूफ बरामद नहीं हुआ है कि उस युवक की पहचान हो सके। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ठाणे सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।